आध्यात्मिक पथ पर भ्रांति में आध्यात्मिक अनुभव। जब कोई व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ता है तो उसे अलग अलग प्रकार के आध्यात्मिक अनुभव होने लगते हैं, जो साधक शुद्धता, आत्मनियंत्रण और मन की एकाग्रता में पूरी तरह स्थिर हो चुका होता है, वह उन अनुभवों को महसूस कर सकता है जो हमारी पांच इंद्रियों, मन और बुद्धि से परे होते हैं। इन अनुभवों को रहस्यमय या आध्यात्मिक अनुभव कहा जाता है। आध्यात्मिक अनुभव और जो साधक देखता है वे परम चेतना, सुप्रीम कॉन्शियसनेस की हल्की झलकें होती है। ये अनुभव और दृश्य साधक की आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति के निशान होते हैं। कुछ खास संकेत होते हैं जिनसे यह पता लगाया जा सकता है कि साधक आध्यात्मिक मार्ग में कितनी प्रगति कर रहा है। जैसे रहस्यमय अनुभवों में साधक अपनी पांचों इंद्रियों से पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश के सूक्ष्म तत्वों को महसूस कर सकता है। वह दिव्य सुगंध, स्वाद, ध्वनि और स्पर्श जैसी चीज़ों का अनुभव करता है जो साधारण इंद्रियों से परे होते हैं। साधक को शाश्वत आनंद की अवस्था महसूस होती है और उसे अपने नाभि क्षेत्र में एक शक्तिशाली ऊर्जा का संचार दिखाई देता है जो ज्वालामुखी के फटने जैसा होता है। साधक आंतरिक प्रकाश की झलक देखता है और ध्यान करते समय जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करता है वह साफ और वास्तविक दिखाई देती है। उसे आध्यात्मिक सपने आते हैं और कभी कभी बिना सपने वाली नींद का भी अनुभव होता है। आध्यात्मिक भावनाओं में साधक घबराहट, आंसू, बेहोशी, आवाज का रुकना, कांपना, चेहरा पीला पड़ना, रोंगटे खड़े होना और पसीना आना जैसी चीज़ें महसूस करता है। वह एक बार में कई भावनाओं का अनुभव कर सकता है और जब पांच या छह से ज़्यादा भावनाएं एक साथ होती हैं तो वह अपने शरीर की चेतना खो सकता है। साधक को दूर की चीज़ें देखना, दूर की आवाज़ें सुनना, दूसरों के विचार समझना, भूख प्यास पे काबू रखना, खुद को हल्का या अदृश्य करने जैसी मानसिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो उसकी आध्यात्मिक प्रगति का संकेत होती है और उसे प्रेरणा व आत्मविश्वास देती है। हालांकि सभी अनुभव असली नहीं होते। आध्यात्मिक पथ पर भ्रांति में आध्यात्मिक अनुभव तब होते हैं जब साधक को कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो वास्तविक नहीं होते, लेकिन उसे लगते हैं कि वे उसकी आध्यात्मिक प्रगति का हिस्सा है। ये भ्रम साधक के अपने मन के कारण या बाहरी अदृश्य शक्तियों के प्रभाव से हो सकता है। कई बार साधक के मन की कल्पनाएं या भ्रम ही इन अनुभवों का कारण होते हैं। बाहरी अदृश्य शक्तियां या चौथे आयाम की शक्तियां साधक के मन और आत्मा को नियंत्रित करके उसे झूठे अनुभव दे सकती हैं, जिससे वह गुमराह हो सकता है। ये झूठे अनुभव असली नहीं होते और आध्यात्मिक प्रगति का सही संकेत नहीं देते। झूठे आध्यात्मिक अनुभव साधक के मन में विभिन्न कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं। साधक का अपना मन ही भ्रम, गलत धारणाएं या अतिशोक्ति के कारण ऐसे अनुभव पैदा कर सकता है जो असल में आध्यात्मिक प्रगति का संकेत नहीं होते। कभी कभी शक्तिशाली गुरु, धार्मिक शिक्षक, तांत्रिक या कुंडलनी योगी भी साधक के अनुभवों को अपने नियंत्रण में लेकर उसकी सोच और भावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। साधक किसी महान आध्यात्मिक व्यक्ति की उपस्थिति में अचानक गहरी भावनाएं या आनंद अनुभव कर सकता है और इसे अपनी आध्यात्मिक उन्नति मान सकता है, जबकि यह मात्र बाहरी प्रभाव होता है। बाहरी अदृश्य शक्तियां, जिन्हें आउटर वर्ल्ड एंटिटीज या अन्य प्राणी कहा जाता है, साधक के विचारों, स्मृतियों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे वह झूठे अनुभवों का शिकार हो जाता है। उदाहरण के लिए सेक्सुअल वैम्पायर्स जैसे प्राणी जो यौन ऊर्जा पर निर्भर होते हैं। साधक को सपनों या ध्यान की अवस्था में अप्राकृतिक यौन अनुभव या बलात्कार जैसे भावनाएं महसूस करा सकते हैं। इस दुनिया के कुछ अदृश्य प्राणी जिनकी इच्छाएं अधूरी होती हैं, साधक को उसके आध्यात्मिक मार्ग से भटकाने के लिए
झूठे आध्यात्मिक अनुभव उत्पन्न कर सकते हैं। शक्तिशाली तांत्रिक या सूक्ष्म अदृश्य शक्तियाँ भी साधक के अनुभवों को नियंत्रित कर सकती हैं, जिससे साधक को असली और झूठे अनुभवों में अंतर समझने में कठिनाई होती है। झूठे आध्यात्मिक अनुभव साधक में अहंकार और घमंड पैदा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि उनकी मानसिक शक्तियाँ बढ़ गई हैं, उनके पास उपचार की क्षमता है, या वे उच्च चेतना या हायर कॉन्शियसनेस तक पहुँच चुके हैं। ये अनुभव उन्हें आत्मसंतुष्टि और आत्मसिद्धि का एहसास दिलाते हैं, लेकिन ये वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति का संकेत नहीं होते। ये अनुभव अक्सर साधक के सपनों, विचारों और भावनाओं के साथ छेड़छाड़ का परिणाम होते हैं, जो उसे सही रास्ते से भटका सकते हैं। साधक को असामान्य यौन अनुभव, डर, घृणा, क्रोध और दुश्मनी से भरे सपने आ सकते हैं, जो इन झूठे अनुभवों के लक्षण होते हैं। साधक कभी कभी झूठी चेतना या स्यूडो कॉन्शियसनेस या देवी देवताओं की कृपा में फंस सकता है और यह सोच सकता है कि वह आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। लंबे समय तक इन झूठे अनुभवों के प्रभाव में रहने से साधक के मन में भ्रम, बेचैनी, अपराध बोध और मानसिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इस कारण वह अपनी सारी आध्यात्मिक उपलब्धियों को खो सकता है और अपने जीवन के परम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। Hey!